अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में हम बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है उसी को के बारे में पढ़ रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन को हम हिंदी में व्यावसायिक संचार कहते हैं। टोटल आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन संचार क्या होता है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना का हस्तांतरण किया जाता है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक किए जाती है, भले उस व्यक्ति को उसके अंदर विश्वास हो या नहीं हो। आपको जो स्क्रीन पर है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेफिनेशन दिखाई दे रही है। हम और डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ ऑल थिंग्स विच अ पर्सन डज वेन ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। जब हम किसी को के दिमाग में कोई चीज़ समझाना चाहते हैं उसको, तो हम वो सारे जो एफर्ट्स लगाते हैं उसको जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो है एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन, जो कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें जो सेंडर है वो मैसेज भेजता है, मैसेज का जो माध्यम होता है उसे सेलेक्ट करता है, उसके बाद जो रिसीवर है उसे मैसेज मिलता है, वो उस मैसेज को समझता है और उसका मतलब निकालता है और रिप्लाई करता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। कम्युनिकेशन जो है की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जो कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो आया है लैटिन वर्ड से, जिसको हम कहते हैं कम्युनिस या कम्युनिकेयो। ठीक है, और इसमें जो वर्ड है वो कॉमन है, जिसका मतलब होता है समझना या जानना। ठीक है, तो इट इज़ जो इन जनरल अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स या आइडियाज़ या ओपिनियन या इमोशन किए जाते हैं बाय वन पर्सन टू अनादर। ये एक ऐसा संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी तथ्य को, विचार को या उसकी भावनाओं को सम्मिलित करता है और उसके अंदर उसका एक्सचेंज किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो दो टर्म से, दो शब्दों को मिलाकर बना है, व्यवसायिक और संचार। बिजनेस कम्युनिकेशन दो शब्दों से बना है, व्यवसायिक और संचार। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर हम पर्सन्स को एसोसिएट करते हैं, व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। और जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो व्यवसायिक संचार जो है वो संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को के जानने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संदेश को जानते हैं और व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानते हैं और इसमें जो संचार का माध्यम है उसे इंक्लूड या सम्मिलित किया जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें, इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस कम्युनिकेशन इज दैट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस कम्युनिकेशन किससे रिलेट हुआ, हम संचार कहाँ कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, तो इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी एंड इट हेल्प्स टू मेक द बिजनेस डायनामिक। जो बिजनेस है उसे गतिशील बनाने के लिए, व्यवसाय को गतिशीलता प्रदान करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। क्योंकि अगर बिजनेस में चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करी जाएगी तो अगर जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या कंपनी का विजन है, मिशंस हैं या टारगेट्स या गोल्स हैं, वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कैसे कम्युनिकेट करेगा, और अगर उसे कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा तो वो लोग उसे कैसे समझेंगे कि उनको एक्चुअल करना क्या है, क्या उन्हें अचीव करना है। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस को गतिशीलता प्रदान करता है। इट इज़ डायनामिक एंड इट प्रोवाइड्स इट इज इट मेक्स द बिजनेस डायनामिक। अब आगे अगर हम बात करें तो फीचर्स की बात करते हैं हम। फीचर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर की बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की। सबसे पहला पॉइंट आता है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस एंड अ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो एक सतत चलने वाला एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है।
सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन। ये किससे रिलेटेड है? मानव से। ये इसके अंदर हम कोई एनिमल्स इंक्लूड नहीं करते, पशु पक्षियों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आर बिजनेस एंड दे आर नॉट डूइंग बिजनेस फॉर अस। नेक्स्ट है, इसके अंदर दो पार्टियों की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें संचार संवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि इसके अंदर कन्वर्सेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो सूचनाओं के अतिरिक्त जो भी तथ्य हैं, तर्क हैं, भावनाएँ हैं, आपत्तियाँ हैं, विचार हैं, सुझाव हैं, जो हैं, इन सभी को क्या किया जाता है या परामर्श है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं साधन। हम जो कम्युनिकेशन है वो किसी माध्यम से किया जाता है, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, सांकेतिक हो, या दृश्य श्रव्य हो, तो कोई ना कोई साधन हमें उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड। जब भी कम्युनिकेशन किया जाता है उसके पीछे कोई उपदेश होता है, बिना उपदेश के कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है। अगर मैं आज सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहूँगी तो उससे मैं कुछ चाहती हूँ, उससे मैं कोई कार्य करवाना चाहती हूँ, मैं उसको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड। नेक्स्ट इज मैनेजरियल बेस्ड। मैनेजरियल बेस्ड को हम बोलते हैं प्रबंध के आधार। व्यावसायिक संचार के बिना प्रशासन बिल्कुल भी कार्य नहीं कर सकता है। तो जो प्रबंध मैनेजरियल बेस्ड है, ये मतलब जो हमारा जो मैनेजमेंट है वो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन। अपनी अपनी जो भी कार्य उसे करवाना है, जो भी एक्टिविटीज़ उसे अपने अपने एम्प्लॉयज से करवानी है, वो इसी के माध्यम से करा सकता है। नेक्स्ट, इट रिमूव्स ऑल द डाउट्स एंड रूमर्स। कोई भी अगर कोई भ्रम हो या कोई अफवाह हो या कोई किसी तरीके का किसी तरीके का हमें कन्फ्यूजन है, इन सारी चीज़ों को दूर करता है बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इट विचारों में एकता व संभाव। ये हमारी जो हमारा जो माइंड सेट है उसे बहुत क्लियर रखता है। हमारे जो थाट्स हो जाते हैं वो बिल्कुल क्लियर है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सभी को क्लियर है कि उन्हें क्या करना है, और उनके जो जो थॉट्स हैं वो एक जैसे होंगे, कहीं पर भी किसी के भी थॉट्स इधर उधर डिविएट नहीं होते हैं। एंड लास्ट इज प्रोसेस। जो व्यवसायिक संचार है वो एक तरीके का प्रोसेस ही है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये प्रोसेस नहीं है, इट इज़ प्रतिक्रिया। इसके अंदर आपको फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर करेक्शन है, इट इज़ नॉट प्रोसेस, इट इज़ फीडबैक। तो इसके अंदर फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक अगर होगा तो ही हमें क्या पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो हम चीज़ समझाना चाहते थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, वो उसे समझ आती है या नहीं। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आंतरिक उपदेश एवं बाह्य उपदेश। आंतरिक उपदेश मतलब इंटरनल ऑब्जेक्टिव एंड बाह्य मीन्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव। इंटरनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है प्रबंधकों के लिए सूचना एकत्रित करना। बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या किया जाता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए वो कहाँ से आती है, बिजनेस कम्युनिकेशन के माध्यम से। कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध कराना। बिजनेस कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कर्मचारियों को देनी है वो कैसे पहुंचेगी, बिकॉज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट आता है समन्वय, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। थर्ड, ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन किस लिए किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसको करने का, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समन्वय या कोऑर्डिनेशन रहे, जो भी एफर्ट्स हैं वो उनके एक साथ रहें, आपसी वो एक दूसरे से जुड़े रहें। नेक्स्ट है कर्मचारियों के मनोबल में बढ़ोतरी। अगर हमारे सामने हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, तो कर्मचारी का जो मोराल होता है, उसका जो मनोबल होता है, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के अंदर हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं माल अथवा सेवाओं की बिक्री द्वारा व्यापार को लाभ कमाया जाता है। इनकी बिक्री जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से ही होती है। संभावित ग्राहकों को अपने माल की गुणवत्ता के बारे में हम कैसे बताते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे वो हम विज्ञापन के थ्रू कर रहे हों, चाहे वो हम बिजनेस लेटर्स या पत्र व्यवहार के थ्रू, या हम पर्सनल बेसिस पर माल को बेच रहे हों,
उसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन विद सप्लायर्स। जो सप्लायर्स जो हैं उनसे हमें रिलेशन हम कैसे मेंटेन करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही करते हैं। यदि व्यवसाय में माल का निर्माण किया जाएगा तो और बने हुए माल की बिक्री की जाती है, हर दशा में कच्चा या बने माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल किस किस्म का होगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सारे कार्य जो हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही करे जाते हैं। नेक्स्ट है अन्य पक्षों को सूचना देना, इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टीज, जितने भी हैं, चाहे वो हमारे कस्टमर हो, चाहे वो हमारे बैंक हो, चाहे वो सरकारी जो अधिकारी हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम इनसे क्या करते हैं, इनको हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो आज डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था संचार किसे कहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा है मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ी है बिजनेस कम्युनिकेशन की, उसके बाद हमने फीचर्स देखे थे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका क्या नेचर है बिजनेस कम्युनिकेशन का। फिर हमने देखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, इंटरनल ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव। इसके साथ ही आपको एक असाइनमेंट करना है जिसमें तब के तीन क्वेश्चन मेजर बनते हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, What is business communication, and explain the features of business communication. Thank you so much. अगर इससे related आपको कोई भी question है या query है तो आप मुझे जो आपका WhatsApp group है उस पर पूछ सकते हैं। Thank you.